नॉर्मल शब्दों में मैं उनको एक इंस्पिरेशन की तरह देखती हूँ, हमेशा देखूँगी, और मैं उनको बड़े भाई की तरह देखती थी जो हमेशा रहे। तो जब आप आज आपने ये सुबह कितने बजे तकरीबन आपने ये खबर सुनी थी? 10:30-11 अराउंड, 10:30-11 के बीच में मैंने ये न्यूज़ सुनी, एंड मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सच है। फिर मैंने न्यूज़ लगाया तुरंत, एंड जब देखा तब अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, मैं अभी भी यहाँ पे हूँ, एक लास्ट टाइम उन्हें देखने के लिए, बट अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, इट इज़ हार्ड टू एक्सेप्ट। कहाँ से आई हैं आप? मैं कांदीवली से आई। कांदीवली से जी। कुछ आपने कभी उनसे आप मिली भी हैं, या आपने कभी डीएम किया उनको इंस्टाग्राम या? मैं हमेशा उनके ट्विटर्स पे रिप्लाई करती थी। देखिए, रिप्लाई आना नहीं आना, स्टोरी देखना नहीं देखना, मिलना नहीं मिलना, ये मेरे हाथ में नहीं था, बिकॉज वो चीज़ कभी हो नहीं पाई। बट किसी को हम एज इंस्पिरेशन देखते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ हमारे दिल में रहते हैं, तो उनसे मिलना नहीं मिलना, इट इज़ नॉट दैट कि नहीं मिली हूँ तो मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, मैं उनसे दिल से कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि उनकी जर्नी मैंने फॉलो करी है उनके टीवी सीरियल्स के टाइम से। बिग बॉस जीते थे जब वो, एंड वो एक लम्हा था, एंड नाउ आज एक लम्हा है, कैसे देखती हैं? मैं दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं, बिग बॉस जीतना उनकी लाइफ की एक और सक्सेस, एक चार चांद जैसे हम बोलते, तो वो एक एक स्टार ऐड करते जाते थे हमेशा सक्सेस के साथ अपनी, एंड जो भी वो करते थे वो हमेशा इंस्पायरिंग रहा है। एंड ये जो लम्हा है वो ऐसा है कि वो कभी इट्स अ शॉक, मतलब बोल नहीं सकती हूँ मैं वर्ड्स में कि कितना दुख हर फैन को पहुँचा है। अभी सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे फैन पेजेस है, लोग हैं जिनको ये सदमा पहुंचा। क्योंकि अब एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, अब वो हमारे और आपके बीच में नहीं है, किस अंदाज से या किस से आप उन्हें अलविदा कहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अलविदा तो नहीं कहूँगी, वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे फॉरएवर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।